आज हम क्लास शुरू कर रहे हैं प्रवीण जी के साथ। और प्रवीण जी, हम सबसे पहले आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं एक छोटी सी एग्जांपल है, छोटी सी प्रॉब्लम। आपके सामने एक डेटा दिख रहा है, डेटा कई सारे शीट्स में मेरा ये डेटा है। मुझे इस डेटा को एक शीट के ऊपर कुलेट करना है, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे। हालांकि वीवीए प्रोग्रामिंग और पावर क्यूरी जैसे टूल्स है, लेकिन मान लीजिए कि आपको जरूरत है, क्योंकि सिर्फ एक्सेल ही नहीं, आप और भी कई सारे से पीडीएफ से या इंटरनेट की पेज से या कहीं और जगह से भी डेटा को कॉपी कर रहे हैं, तो आपको बार बार क्या करना होगा, आपको सीट पे जाना होगा, डेटा को सिलेक्ट करना होगा, कॉपी करना होगा, फिर वापस डेटा पे आना होगा, सिलेक्ट करना होगा, पेस्ट करना होगा, अगेन आप जाएंगे डेटा में, सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और देन फिर यहां पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। लेकिन मेरा एक ट्रिक है जिससे आपका 50% टाइम बच जाए। तो जैसे कि आपको कुछ नहीं करना है, यहां आपको दिख रहेगा क्लिप बोर्ड, जब इस पर कर्सर रखेंगे तो क्लिप बोर्ड दिखेगा, अपने इस क्लिप बोर्ड को ऑन कर लीजिए, पहले से कुछ हो तो उसको क्लियर करके ब्लैंक कर लीजिए। फिर आपको अब सिर्फ कॉपी करना है, जाइए डेटा को सिलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, फिर दूसरे शीट पे जाइए, डेटा को सिलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, फिर तीसरे शीट पे जाइए, डेटा को सिलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, फिर चौथी शीट पे जाइए, डेटा को सिलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, पांच में भी सेम, डेटा को सिलेक्ट कीजिए एंड कॉपी कीजिए। अब पेस्ट करने की बारी आई, तो अगर आपको कुछ कुछ पेस्ट करना है तो यहां से क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सारा करना है मुझे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे, तो ये आपको दिख रहा होगा पेस्ट ऑल। अब पेस्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो एक साथ में सारा का सारा पेस्ट हो जाएगा। ठीक है सर, हो गया सर, देखिए जी। तो इस तरह से आप एक के साथ पूरा पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आती है, ये तो जो ठीक है, लेकिन ये वीडियोज को मैं आज YouTube पे भी डालूंगा, तो YouTube पे जो वीडियो देखेंगे और कुछ ज्ञानी पुरुष बोलेंगे सर इसके लिए तो हम इजिली वीवीए कोडिंग कर लेंगे, या फिर हम इसके लिए जो पावर क्यूरी है वो इस्तेमाल कर लेंगे, मर्ज क्यूरी है वो इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये चीजें तो है, लेकिन वो चीजें मैं अभी नहीं बता रहा क्योंकि आपकी शुरुआती क्लास है, पहली प्रॉब्लम। दूसरी, आप एक्सेल टू एक्सेल तो कर लेंगे, बट एक्सेल टू अनोदर, जैसे कि मान लीजिए कि आपने गूगल सीट पे गए, या मान लीजिए आप जो है गूगल सीट पे डेटा है, या मान लीजिए आपका इंटरनेट पे कॉपी किया, जैसे मान लीजिए मैंने कॉपी कर लिया एक्सेल कोर्स, क्लिक करके एंटर मारा, तो यहां पे मेरे बहुत सारे आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं सर, मुझे सबका लिंक कॉपी करना है, तो राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पे कॉपी लिंक एड्रेस कर लिया, इस पे भी राइट करके कॉपी लिंक एड्रेस कर लिया, और मान लीजिए इसको मैं कॉपी करके लिंक एड्रेस कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस। इसमें एक चीज, और अगर अगर किसी एक ही चीज को दो बार कॉपी कर लोगे ना सर, तो आपका वो एक ही को कंसीडर करता है। अब मुझे जाना है एक्सेल सीट पे, देखिए सारा यहाँ ऐड हो रहा है, दिखा रहा है, अब एक्सेल सीट पे मुझे जाना है और जहां इसको पेस्ट करना है वहां क्लिप बोर्ड में जस्ट पेस्ट ऑल पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे बोलेगा सर यहाँ तो चार है बट आया तीन,
मैंने क्या बोला था आपको, अगर एक ही डुप्लीकेसी होगी तो डुप्लीकेसी को कंसीडर नहीं करेगा, वो एक ही बार कॉपी करेगा, ठीक है। तो क्लिपबोर्ड ये आज का हमारा टॉपिक, आपको बताया कि इस तरह से इसको यूज करते हैं, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है सर?